मैं धन्यवाद दूंगा कि आप 2-3 दिन से यहाँ आ रहे हैं और अपने समाचार पत्रों में कुछ स्थान भी हम संघ के सूचनाओं कार्यक्रमों को दे रहे हैं। इसके लिए मैं पहले ही आपको धन्यवाद देता हूँ। और एक बात कहना चाहूँगा कि निकट भविष्य में पूरे देश भर में एक दीपावली का पर्व आ रहा है और इसलिए उस दीपावली पर्व की भी शुभकामनाएं मैं आप सबको हृदय से देता हूं। वैसे भुवनेश्वर में इस प्रकार की हमारी बैठक तो पहली बार हो रही है। इसके पूर्व एक बार कटक में हुई थी परंतु भुवनेश्वर में पहली बार। बहुत ही एक अच्छे वातावरण में सारे परिसर में बैठक हो रही है। संघ का काम तो जैसे जानकारी आपको 2-3 दिनों में मिली होगी, संघ का काम एक शाखा के रूप में चलता है। कहीं पर हम एक सप्ताह में एक बार मिलते हैं, कहीं पर महीने में एक बार मिलते हैं। ऐसे लगभग आज देश के 60,000 ग्रामों तक हम लोग पहुंचे हैं। इस संघ के जो संगठन का रूप होने के कारण 60,000 ये आंकड़ा शायद कम लगता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है तो उसका यूनिट खड़ा करने में समय लगता है। आंदोलन करने में बहुत लोग आते हैं परंतु संगठन की प्रक्रिया में आने में समय लगता है। परंतु 1 लाख से अधिक गांव ऐसे कि जहां पर संघ के विचारों को स्वीकार करने वाले, समझने वाले और समय समय पर सहयोग करने वाले लोग रहते हैं। हम किसी कार्यक्रम को लेकर जाते हैं तो लोग सहयोग करते हैं। 1 लाख से अधिक आज है। एक हम रोज की शाखा लगती है 1 घंटे की, उसमें अगर हम एवरेज अटेंडेंस अगर माने तो 4 से 5 लाख तरुण, मतलब 16-17 साल के ऊपर से लेकर 80-90 तक की एज ग्रुप जो है वो 5 लाख तक रोज इकट्ठे आते हैं। और जो उससे छोटे हैं वो भी संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। तो ये हमारा एक डेली आने वालों का प्रमाण इस प्रकार। हमने 1-2-3 प्रयोग चलाए हैं और उसकी दिशा में हम लोग हैं। अभी हमने पूरे देश को 59,000 राउंड अबाउट में बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं रहा, 59,000 ऐसे और विलेज कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं उसको हमने बांटा, उसको मंडल कहते हैं। ये हमारा पहला लक्ष्य है कि हम इन 59,000 मंडल तक पहुँचेंगे। अगर 59,000 मंडल हो जाते तो 4-5 गांव के बीच, 7-8 गांव के बीच एक एक केंद्र बनता है, एक सेंटर बनता है। आज हम उसमें लगभग 30,000 तक पहुंचे हैं, परंतु अभी भी एक बहुत बड़ा रेंज बाकी है, वो हम जाएंगे। संघ ने इस प्रकार के जो काम शुरू किए उसमें मैं 2-3 केवल उल्लेख करना चाहूंगा, बताने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। एक 1989 से एक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया है। कैलेमिटीज में काम तो बहुत पहले से करते हैं परंतु प्लैंड वे से और विशेषतः स्लम्स, रिमोट एरियाज, गांव के अंदर और ट्राइबल बेल्ट में ऐसा एक कॉन्सेंट्रेशन करके जब हमने काम शुरू किया तो लगभग 1,50,000 तक इस प्रकार की सेवा एक्टिविटी चलती है देश भर में।
एक 20 स्थानों पर बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं संघ के स्वयंसेवक कि जो चैरिटेबल है, और कहीं पर 50 बेड्स, कहीं पर 100 बेड्स, इस प्रकार का 150 बेड्स तक है। ऐसे लगभग 20 हॉस्पिटल्स आज देश में चल रहे हैं। 15 ब्लड बैंक्स हैं कि जो उस एरिया की ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो नियरली 50% रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो एक ब्लड बैंक का भी एक नेटवर्क हम लोगों ने एक संघ के स्वयंसेवकों ने शुरू किया है। एक विकलांगता के क्षेत्र में जो काम चलता है उसमें भी, और विशेषतः नेत्रदान, इसमें हम समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो उसका भी एक बहुत लाभ होता है। मैं समझता हूँ कि प्रतिवर्ष लगभग 250-300 नेत्रदान होते रहते हैं पूरे देश भर में। तो एक इस प्रकार के कई सेवा सर्विस एक्टिविटीज में गए हैं। दूसरा है, हमने रूरल डेवलपमेंट में काम शुरू किया, ग्राम विकास के क्षेत्र में। हमने अभी देश भर में एक, हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट दिख रहा है, ऐसे 250 विलेजेस है। हमारी ग्राम विकास की कल्पना में जो आज प्रचलित है, जो रूढ़ है, उसमें है कि सरकार करती है ग्राम विकास का काम, कोई एनजीओस करते हैं, कोई व्यक्ति के द्वारा होता है, पर्सनल एक होता है। हमने एक पहले से भूमिका रखी कि विलेज डेवलपमेंट का काम उसी गांव के लोग करेंगे, उनको हम सहयोग करेंगे, नहीं तो अदरवाइज डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, ऑलवेज डिपेंड ऑन सम एनजीओज, डिपेंड ऑन सम पर्सनालिटी। तो हमने कहा ऐसा नहीं, आप ही गांव के लोग कर सकते हो। तो हमने एक विश्वास जगाया है। और ग्राम विकास के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो हमने 5 सेक्टर सामने चुने हैं, एक एजुकेशन, एक हेल्थ, एग्रीकल्चर, एक सोशल एटमॉस्फेयर, और स्वावलंबी, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, ऐसे रोजगार वगैरह इत्यादि विषयों को लेकर हमने इन 5 क्षेत्रों में काम इन गांवों के अंदर चलाया है। उसका भी एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। एक युवकों को और जोड़ने का प्रयास तो हमारा होता ही है, उसमें एक जॉइन आरएसएस इस प्रकार की बात चलाई गई, और अनुभव बहुत अच्छा है कि समाज का मीडिया से जो संघ को सुनता है वो वास्तव में व्हाट इज आरएसएस, इस कल्पना से जॉइन आरएसएस हमने एक इंटरनेट पर एक व्यवस्था बनाई, उसके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में, मतलब मैं ऑन एंड एवरेज कहता हूँ, प्रतिवर्ष 1,00,000 से ज़्यादा युवक उसमें और ज्वाइन होते हैं। हाँ ठीक है, ज्वाइन जो होते हैं कभी उत्सुकता से होते हैं, कभी कंटिन्यूस रहते भी है, पर तो एक बहुत बड़ा उस प्रकार का एक को मिलता है। एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि हमने एक सर्वेक्षण किया था देश भर में, एक ये भी बहुत बड़ा सर्वेक्षण हुआ है, उसमें लगभग हम 13,00,000 स्वयंसेवकों का एक सर्वेक्षण हमने पूरा किया है। 13,00,000 बड़ी संख्या होती है, बिग नंबर। और हमारी भविष्य की योजना है कि इन 13,00,000 लोगों को हम डिफरेंट, वी विल ट्राई टू एंगेज देम इन डिफरेंट स्मॉल एक्टिविटीज। सभी लोग एकदम पूरा समर्पित होकर नहीं कर सकते, परंतु थोड़ा अपने समाज के लिए करना चाहिए, इस प्रकार का एक योजना हमने इस वर्ष बनाया है, उसके परिणाम भी आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। इसी संदर्भ में एक और छोटा प्रयोग हमने किया है कि जो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करते हैं, ऐसे एज ग्रुप है 18-35, जिनका एनर्जी है, जिनका एक विजन है, एनर्जी है, विजन है, एक मिशन देना चाहिए,
इसलिए मिशन को सामने रखकर हमने एक आज कौन कौन ऐसे हो सकते हैं तो उसका जब हमने एक सर्वे किया तो आज हमारे पास इस ग्रुप में प्रत्यक्ष काम करते हैं उनका और डेवलपमेंट होना चाहिए वो संख्या देर इज मोर देन 1,15,000 आज इस एज ग्रुप का आज वर्कर है आज कार्यकर्ता है उसको भी हम सब प्रकार से और सक्षम करने की बात हम सोचेंगे। ऐसे जो संघ के इंटरनल जो बातें हैं वो मैंने आपके सामने रखी है। हम समय समय पर समाज में भी कुछ बातें होती रहती है उसके संदर्भ में भी हम चिंता भी करते हैं और उसके संदर्भ में कुछ भूमिका भी लेते हैं। ऐसे कई घटनाएं हुई तो मैं समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के नाते हम अलग अलग प्रकार के विषयों में हमारे लिमिटेशन के अंदर हम एक रोल प्ले करते हैं। हमारे रोल प्ले करने की जो लिमिटेशन है उसमें है एक सोशल अवेयरनेस है। कई प्रकार के फीडबैक हम समाज से लेते भी हैं समाज को देते भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी नेशनल डेवलपमेंट इस विषय में जो एक अवेयरनेस आना चाहिए उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो समाज का है वो एकदम आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उनके सामने भी कुछ विषय जो नेशनल इश्यूज है उसको लेकर हम जाते हैं। ऐसे एक हमारी एक स्ट्रेंथ है उस लिमिटेड स्ट्रेंथ के आधार पर आज हम एक संगठन के रूप में समाज में खड़े हैं। इतना ही मुझे कहना था बाकी सर एनआरसी के ऊपर आपका क्या राय एनआरसी नेशनल देखिए एनआरसी का विषय वास्तव में सभी देश को करना ही चाहिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये बनाना ये एक किसी भी सरकार का ये काम है। ये क्यों करना पड़ा तो कई प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है इसलिए एक बार एक एनआरसी बनना चाहिए और उसके आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो भारत के नेशनल नहीं है उसके बारे में कुछ पॉलिसी बनाकर उनके बारे में क्या करना है। निर्णय अगर करना है किसी भी सरकार को तो सरकार के पास डाटा चाहिए। मैं समझता हूँ कि एनआरसी का एक जो अभी तो प्रयोग केवल असम क्षेत्र में हुआ है असम राज्य में हुआ है अगर सरकार योजना बनाती है तो देश भर में भी कर सकती है करना चाहिए ऐसा। कोई कम्युनिटी के खिलाफ होने का कोई कारण नहीं ये देश के संदर्भ में है और हमारा स्टैंड जो बहुत पहले से रहा है कि अंदर जो आते हैं वो नागरिक नहीं है देश के नागरिक नहीं है वो विदेशी नागरिक है उनको विदेशी नागरिक के रूप में आइडेंटिफाई करना चाहिए। उनके बारे में निर्णय क्या करना वो डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर है। एक तो उनके यहाँ की जो नागरिकों के अधिकार है उससे उनको दूर रखना ये तो मिनिमम है नागरिकों के अधिकार से दूर रखना है। होने वाला है होना भी चाहिए क्योंकि एक समय था उस समय कश्मीर से वहीं के मूल निवासी रहने के बाद भी उनको भागना पड़ा वो सुरक्षा के कारण उनका जीवन जब असुरक्षित हुआ उनके व्यवसाय सब बंद होने की स्थिति में आ गए उनको वहां से पलायन करना पड़ा। ये केवल 370 के कारण हुआ ऐसा नहीं है पर ऐसा हुआ है। 370 के कारण अब सुरक्षा की एक व्यवस्था बन सकती है सब विश्वास होगा और उसके कारण जो कश्मीर से बाहर जिनको जाना पड़ा वो वापस कश्मीर में स्थायी होना चाहिए इस प्रकार का माहौल एक एटमॉस्फेयर बने इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए सबको लगता है। आपका संगठन तो बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहा है तो जो नेशनल डेवलपमेंट नेशनल सिक्योरिटी इस बारे में भी चर्चा कर रहा है
तो आपको कैसा लगता है, अभी अभी तो बीजेपी सरकार नेशनल लेवल में है, तो ये अभी जो हमारा दरदाम वृद्धि और जो बेरोजगारी जो बढ़ रहा है, ये तो दिक्कत है, एंटायर कंट्री में ये दिक्कत है, इनको सुधारने के लिए आप क्या सलाह देते हैं बीजेपी सरकार को? देखिए, किसी भी सरकार की एक प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एंटी नेशनल, एंटी सोशल, जो भी कुछ एक्टिविटी चलती है उसको खोजना है, उसको कड़ाई से पेश आना है। और इसलिए हम तो यही सरकार से अपेक्षा करते हैं, किसी भी सरकार से, आप क्यों केवल आज के नहीं, हम पहले भी सरकार से अपेक्षा करते आए हैं। सरकार नहीं करेगा तो कौन करेगा? जो जो भी यहाँ पर एंटी नेशनल फोर्सेस यहाँ पर है उनको ढूंढना चाहिए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, इसके लिए शासन को जो भी साधनों से युक्त होना चाहिए, साधन उसकी सिद्धता करे, उसकी योजना बनाए और उस योजना बनाकर इस देश के अंदर एक सुरक्षा का माहौल बनाना, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है, वर्तमान सरकार की भी जिम्मेदारी है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से इस सरकार ने कदम डाले हैं, ये सरकार भी इसके बारे में कमिटेड है, ऐसा हमको लगता है। भैया जी, आपने अपना पाठ रखना जब शुरू किया, सबको दिवाली का शुभकामना दी, और दिवाली कहीं ना कहीं श्री राम जी का वनवास से लौटने के साथ जुड़ा हुआ है, और अभी देश में बहुत बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या होगा जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, किसके बाद होगा राम मंदिर? अब देखिए, न्यायालय ने सुनवाई तो पूरी कर दी है। हम बहुत वर्षों से हम ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं सब प्रकार से दूर हो। उसमें एक कानून की बात थी, कानून की मतलब ये न्यायालय प्रक्रिया की बात थी, जमीन के मालिक की किसकी है। अगर ये फैसला, अब सुनवाई पूरी हुई है, अब राह देखना है, सभी लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है कि एक महीने में इसका फैसला आएगा। फैसला जो आएगा उसके बाद उस समय की जो परिस्थिति रहेगी उस समय कहेंगे, आज क्या कह सकते हैं। हम तो अपेक्षा कर रहे हैं कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आए, इसे हमारी अपेक्षा है। माननीय सुशील जी, क्या अभी एक देश एक कानून कॉमन सिविल कोड आप उम्मीद रखते हैं सरकार से, जो ये संघ का विचारधारा रहा है कॉमन सिविल कोड? देखिए, कॉमन सिविल कोड ये तो बहुत पुरानी मांग है, सबकी मांग है। इसको लाने के लिए सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बिना किसी प्रकार के संकोच करते हुए ये देश के लिए, देश की सब प्रकार के विकास के लिए भी आवश्यक है, और समाज में जिस प्रकार का एक वातावरण बनता है कि कानून अलग होता है तो व्यक्ति अलग अलग प्रकार से और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं कि अगर कानून सबके लिए समान होगा तो ये भय समाज के अंदर से कम हो जाएगा कि सबके लिए कानून समान है। ये वास्तव में इसका संविधान निर्माण के समय इसका विचार होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब ये किसी भी प्रकार के कानून में परिवर्तन करने के लिए जो भी शासन की एक तैयारी चाहिए, हम अपेक्षा करते हैं कि ये होना चाहिए, करना चाहिए, ये तो इच्छा तो है। आउट ऑफ कोर्ट आपका जो मीडिएटर बने हैं वो तो देखिए, ये प्रयत्न तो बहुत पहले से चल रहे हैं। हम भी चाहते थे कि इसके इसमें से कोई रास्ता निकले, न्यायालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी, पर तो गए हैं और अब ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि आपस के और मध्यस्थता करते हुए ये सवाल हल होगा, ऐसा कुछ आज रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। होता है तो अच्छी बात है, इसमें सबकी प्रतिष्ठा है, भारत की प्रतिष्ठा है, सभी प्रकार के लोगों की प्रतिष्ठा है कि एक विषय सद्भावना के साथ हुआ, लेकिन जिन्होंने कोशिश की उनको सफलता कितनी मिली ये तो जानते नहीं है, लेकिन उसकी एक समय सीमा थी,
समय सीमा में हो नहीं पाया, इसलिए न्यायालयीन प्रक्रिया चल पड़ी। अब हम कहते हैं कि न्यायालयीन प्रक्रिया चल पड़ी है तो उसी में से जो रास्ता निकलेगा उसी रास्ते को स्वीकार करना है। चलिए अभी अभी हो गया बस। अच्छा लास्ट अभी बंगाल बंगाल में हत्या है। देखिए बंगाल में जो भी आज हो रहा है वो बड़ा ही दर्दनाक है। एक समय था जब साम्यवादियों की सरकार थी उस समय भी ये भय का वातावरण था, वह लोकतंत्र के सामने खतरा था। वर्तमान जो भी बंगाल में सरकार है वो हिंदुओं के प्रति कितनी अनुदार है वो दिखाई दे रहा है, ध्यान में आ रहा है। हिंदुओं पर होने वाले हमले इसके संदर्भ में कभी कभी लगता है कि ये राजनीतिक है क्या, मालूम नहीं। क्या किसी के समर्थन से हो रहा है क्या, ये भी कह नहीं सकते। पर तो जो हो रहा है वो हिंदुओं पर अन्याय करने वाला है। जो बंगाल कभी शांतिप्रिय बंगाल माना जाता था, जो बंगाल धार्मिक प्रकार का एक परिवेश वाला प्रांत है, उसी राज्य में और सरकार अपने देश के अपने राज्य के रहने वाले नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके प्रति सरकार इसके प्रति निष्पक्ष भाव से और जो उचित है जो न्याय उचित है वो सब कदम उठाए। स्थानीय विषय पूरी पूरी मंदिर का हमने कहा ना स्वागत कर रहे ना कर दिया ना, अगर अब भी होता है तो नहीं, उन्होंने बता दिया ना। नहीं नहीं उन्होंने बताया ना, पहले बोल तो दिया कि अगर स्वागत है अब भी हो जाएगा तो अच्छा है। हमें कोई नहीं, हमें देखिए अगर मध्यस्थता से कोई रास्ता निकलता है तो हम स्वागत ही करेंगे, परंतु वो हिंदू समाज के मनोनुकूल निर्णय आना चाहिए। होता नहीं होगा, होगा जो भी फैसला होगा, अखंड भारत बनाने का जो आपका स्लोगन है क्या रहेगा? जो भी विजन क्या है, कौन सा भारत? अखंड भारत। देखिए ये सब कल्पनाएं हमारे स्वप्न हैं, अब इसका भविष्य में क्या स्वरूप रहेगा आज कुछ कह नहीं सकते हैं। एक बात हम निश्चित मानते हैं कि जो जो भी विभाजित आज भारत है सबके सांस्कृतिक धारा एक है, इन सांस्कृतिक बातों पर देश के इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब आ गया। धन्यवाद आपका। जगन्नाथ मंदिर का ब्यूटिफिकेशन का विषय है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है देखिए हम ब्यूटिफिकेशन शब्द को बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं करते। क्या विषय? हम ऐसे देवस्थान की जहां पर हजारों लोग आते हैं वहां ब्यूटिफिकेशन से भी ज्यादा सुविधाओं से युक्त तो होना चाहिए, दर्शनार्थियों को सुविधा मिलनी चाहिए, इस पक्ष के हम लोग हैं। ब्यूटिफिकेशन क्या होता है मैं जानता नहीं। धन्यवाद।